हे गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा कम अच्छा रहा, क्योंकि मुझे एक ही शॉप में 5 से 6 घंटे के लिए बैठना पड़ गया। और इतना लंबा समय मैं इस शॉप पे क्यों बैठी, मैं क्या लेने आई हूँ आगे तो आपको बताऊंगी ही बताऊंगी, लेकिन आज आपसे एक हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूंगी कि आप में से जिन लोगों के भी पेज हैं, जो लोग भी मेरे से ज़्यादा जानते हैं, वैसे मैं अभी इस फील्ड में नई हूँ और मुझे बहुत कम नॉलेज है, तो उनसे यही पूछूंगी कि इस तरह के मैसेज आपके पास भी आते हैं क्या कि आपका पेज 24 आवर के अंदर ही बंद हो जाएगा, आप ये कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, अपने वीडियो को गलत तरीके से डाल रहे हैं, दूसरे के कंटेंट डाल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है ये मैसेज मेल में नहीं आते तो ये मैसेज फ्रॉड है, इसलिए इसमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। मैंने भी नहीं लिया, लेकिन जब बार बार कुछ ऐसे मैसेज आते हैं ना तो मन दुखी हो जाता है। इसीलिए आप सब मुझसे कई गुना ज़्यादा जानते हैं, तो आपसे मैं पूछ रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और जिन लोगों के पेज नए हैं तो उनको मैं अपनी तरफ से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब तक इस तरह के मैसेज मेल में नहीं आते ना, तो आप इनके लिंक को बिल्कुल भी टच ना करें, नहीं तो पेज चला जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि मुझे पता है कि इसमें केवल मैं अपनी चीज़ें डालती हूँ, कहीं से कुछ ऐड नहीं होता, तो फिर ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं? तो ये फ्रॉड लोग होते हैं, आपके चैनल को हैक करने वाले होते हैं। मेरे पास इस तरह के 2 बार मैसेज आ गए और दोनों बार मेरे कमेंट में ही ये मैसेज आए हैं। और जब इस तरह के मैसेज आते हैं ना तो मन डर जाता है, क्योंकि हम इस पेज को बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी के साथ ग्रो करते हैं, और कोई अगर बोल दे कि केवल 24 घंटे आपके पास हैं तो सच में जान सूख जाती है। जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं, प्लीज़ वो अपने पे ध्यान दें, मेहनत करें और उसके बाद आगे बढ़ें, किसी के हाथ से इस तरह निवाला न छीने। और जो लोग नया नया पेज बनाते हैं और पेज ग्रो हो गया, उनके पास इस तरह के मैसेज ज़्यादा आते हैं, और अगर आपने मैसेज के लिंक को टच कर लिया ना तो हाथ से पेज चला जाएगा। पहले भी आपको बताया था कि उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे तो केवल 24 घंटे का समय दिया है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके साथ मैं जीवन भर जुड़ी रहूं, हमेशा आपका मेरा साथ बना रहे। और अगर 24 घंटे बाद मेरा पेज डिलीट कर देंगे तो मैं तो सच में मर ही जाऊंगी, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो चलिए मैं आज की क्लिप आपको दिखाती हूं, मैं इस शॉप पे क्यों आई हूं। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक बहुत ही ज़रूरी काम के लिए आई थी। अभी ये कुछ भैया लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मैंने एक मंदिर बनवाया था, मैंने इसके पहले भी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था। जो लोग अभी मुझसे नए जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा, जो लोग मेरे साथ शुरुआत से उन्हें पता होगा कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे घर में एक मंदिर हो। लेकिन ऐसी जॉब है, ऐसी सर्विस है जिसमें हमेशा ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो हम लोग कभी भी अपनी पूरी गृहस्थी बसा ही नहीं पाते। लेकिन कब तक? हमेशा तो साथ में रहना है, अलग अलग जगह जाना है, तो कितना मन को मारूंगी। और आप सबकी दया से, आप सबके आशीर्वाद से आज मैंने ये मंदिर कंप्लीट करवा लिया। ऑर्डर तो मैंने 17-18 दिन पहले दिया था, जब श्राद्ध लगते ना उसके 2 दिन पहले दे दिया था, लेकिन ये कम्प्लीट नहीं हो पाया था। तो मैं आज नवरात्रि के दिन ही मंदिर लेने गई, तो उस टाइम पे मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था, जैसा मुझे चाहिए उस तरह का नहीं बनाया था। तो मैं वहीं 4-5 घंटे बैठी रही, अपने सामने कई चीज़ें इसमें ऐड करवाई। फाइनली मंदिर तैयार है, तो अब हम जा रहे हैं घर। अभी आज तो फास्ट है ही, मैं मेरे हस्बैंड हमेशा नवरात्रि का 9 दिन का फास्ट रखते हैं काफ़ी समय से, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है, मुझे जवारे भी बोने हैं, कलश स्थापना करनी है, लेकिन मंदिर भी ले जाना है, उसके बाद करना है। अब हम मंदिर लेने जब गए तो शॉप नहीं खुली थी और मंदिर लाते लाते शाम के 4 बज गए। उसके बाद मैंने घर पे पूजा उजा करी, उसका वीडियो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊंगी क्योंकि मैंने उसको सूट ही नहीं किया। वहाँ पे बैठे बैठे इतना टाइम हो गया था, मेरे सिर में इतना तेज दर्द होने लग गया था। आने के बाद मैंने फटाफट से नहाया और बस मंदिर में स्थापना करी सारे भगवान जी की। उसके बाद मैंने जवारे बोए, कलश स्थापना करी, आरती पूजा पाठ ये सारी चीज़ें करते करते करीब रात के 8 बज गए थे। 8 बजे के बाद मैं पूरी तरह से प्रसन्न थी क्योंकि सच में इतना मन को सुकून मिल रहा था। और होता है ना, जिस चीज़ के लिए हम बहुत शिद्दत से चाहते हैं और वो चीज़ हमारे सामने हो, तो फिर उसकी खुशी मैं आप लोगों से बयां नहीं कर सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। आप सबको जय माता दी। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, पहले दिन का मैं ब्लॉग वीडियो कुछ भी नहीं शूट कर पाई। और ये देखिए मेरा मंदिर
मैंने आज से करीब 1.5 साल पहले आपको अपने मंदिर में कागज लगाते हुए दिखाया था और तब आपको बताया था कि मेरी बहुत इच्छा है कि मेरे पास एक मंदिर हो। राज मेरे पास आप सबकी कृपा से, आप सबके सपोर्ट से, आप सबके प्यार से इतना खूबसूरत मंदिर आ गया है। मैंने इसको खुद कस्टमाइज करवाया है। मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं तो हम लोगों का अधिकतर ट्रांसफर होता रहता है, तो मैंने लकड़ी का मंदिर बनवाया है। मैं इस मंदिर की पूरी कॉस्ट भी बताऊंगी, इसमें मैंने क्या क्या लगवाया है, किसी दिन पूरा मंदिर अच्छे से बताऊंगी। आज तो मैं इतनी खुश थी, मैंने सोचा कल आपके साथ कोई बात नहीं शेयर कर पाई, कोई वीडियो नहीं डाल पाई, तो छोटी सी झलक अपने मंदिर की आपके साथ शेयर करना मैंने जरूरी समझी। कैसा लगा मेरा मंदिर? यहाँ पे मैंने कुछ भगवान रखे हैं। अभी मेरी नवरात्रि का फास्ट है, मैंने कलश स्थापना करी है, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा अभी खाली है यहाँ पे, क्योंकि कलश रखा है। जब मैं जवारे विसर्जन कर दूंगी तो इस जगह पे भी भगवान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मैं कुछ भगवान जी रखूंगी, क्योंकि इतने पोर्शन में भगवान जी पूरे नहीं आ रहे हैं। और ये देखिए युगल सरकार, हमारी राधा रानी, और ये मेरी माता जी। भगवान आप सबकी इच्छाएं पूरी करे, आप सबको प्रसन्न रखे, आप सब जो चाहें और आप जो सब लोग डिजर्व करते हो आप सबको जरूर मिले। आप लोग पूरी ईमानदारी से अपने काम को करते रहिए, मैं सच बता रही हूँ, आपके सपने जरूर पूरे होते हैं, बस सपने देखना मत भूलिएगा। तो आज मेरे फास्ट का दूसरा दिन है, आज नवरात्रि का भी दूसरा दिन है, मैं भी आरती की तैयारी कर रही थी, मैंने सोचा अपने मंदिर की झलक आप सबके साथ शेयर करूं। तो ये मंदिर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसी उम्मीद के साथ ये छोटा सा वीडियो भी एंड करूंगी कि आप अपने पूनम को हमेशा की तरह बहुत ज्यादा प्यार दें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आप सबको फिर से एक बार हरे कृष्णा।